हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अगर हम आज इस टॉपिक पे बात करें ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर किनी भी ट्रायंगल की किनी भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा हो और किनी दो साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा हो तो उसे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, लेट कंसीडर कि भाई यहां पे क्या काम है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। ए बी सी यानी किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा हो या किन्हीं भी दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा हो, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो इस तरह से अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करें तो सिंपल सी बात, और यहां पर जेड फॉर्म में डिफाइन करूं, जेड वन प्लस जेड टू, जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा, इन दोनों का सम इंडिविजुअल लेस देन होगा, और अगर डिफरेंस की बात की जाए जेड वन माइनस जेड टू तो दैट मीन्स ग्रेटर जेड वन माइनस जेड टू। इस तरह से इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, अगर मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं, सिंपल सी बात कि भाई अगर तुम्हें इफ गिवन है जेड वन माइनस वन इज इक्वल टू वन कॉमा जेड टू माइनस टू इज इक्वल टू टू एंड जेड थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो आपको फाइंड करना है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री क्या होगा। तो बस सिंपल सी बात, अगर मुझे जेड वन डिफाइन करना है तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी कि भाई अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो जेड माइनस वन प्लस जेड टू माइनस टू प्लस जेड थ्री माइनस थ्री सिक्स, क्योंकि सिक्स ही मैंने प्लस किया है और सिक्स ही मैंने माइनस किया। अगर मैं इसमें इनइक्वालिटी की बात करता हूं, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इनइक्वालिटी की बात आ जाएगी तो कॉमन लेस देन होगा, एडिशन प्रॉपर एडिशन लेस देन मल्टीपल एडिशन, तो दैट मीन्स जेड वन माइनस वन प्लस जेड टू माइनस टू प्लस जेड थ्री माइनस थ्री और प्लस सिक्स। भाई आपको पता है जेड वन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, वन, जेड टू की टू प्लस जेड थ्री की थ्री प्लस सिक्स। इन दैट केस आपका जो कंप्लीट आंसर आने वाला है ये, कि इन दैट केस कि जो आपका एडिशन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सवाल आपका मेंस में बना हुआ है, तो ये इसलिए मैंने यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मेन मोटिव क्या है कि अगर किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी के क्या हो गई, किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी से छोटा होगा बड़ा होगा एंड किन्हीं भी दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। ठीक है, अगर आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।